आज हम बात करने वाले हैं कंजंक्टिवाइटिस, पिंक आई और आई फ्लू, जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है इस समय। सो इसके पीछे का क्या कारण है, ये क्यों फैल रहा है, अगर फैल चुका है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके बचाव क्या हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो आई फ्लू, बेसिकली आई फ्लू को फैलने के दो कारण हो सकते हैं। वो कारण है, ये बैक्टीरिया के द्वारा फैल सकता है या वायरस के द्वारा फैल सकता है। इसके फैलने के कारण क्या हैं? आजकल बहुत ज़्यादा बारिश देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा बारिश का प्रकोप हो रहा है अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहर में, जिसकी वजह से मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, मौसम में नमी बनी हुई है, उसकी वजह से तेज़ी से फैलने को देखने को मिल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? अगर आपको, पहले हम इसके लक्षण की बात कर लेते हैं, आप कैसे कंफर्म करें कि आपको कंजंक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू हो चुका है? तो अगर आपकी आंखों में से पानी निकल रहा है या फिर कोई जो है येलो कलर का डिस्चार्ज हो रहा है आंखों में से, तो हो सकता है आपको आई फ्लू हो गया हो। उसके बाद अगर आपकी आंखें चिपचिपी हो रही हैं तो हो सकता है आपको आई फ्लू हो गया हो। आपकी आंखों में स्वेलिंग देखने को मिल रही है, आपको आंखें रेड हो चुकी हैं, तो ये सब कारण आपके आई फ्लू के हो सकते हैं। इनके साथ अगर बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, आंखों में खुजली मच रही है, आंखें रेड हो रही हैं, स्वेलिंग आ चुकी है, पानी निकल रहा है या किसी भी तरीके का फ्लूड निकल रहा है और साथ में बुखार भी आ रहा है, तो हो सकता है आई फ्लू की आपको दिक्कत हो गई और आपको भी आई फ्लू हो गया हो। अभी हमने ये तो देख लिया कि आई फ्लू के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, कैसे पता करें कि आपको आई फ्लू है या फिर आंखों की कोई और दिक्कत है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको एक साथ देखने को मिल रही हैं, इनमें से कोई दो तीन चीज़ें भी देखने को मिल रही है, तो हो सकता है आपको आई फ्लू हो या फिर कंजंक्टिवाइटिस हो। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपको आई फ्लू हो गया है तो सबसे पहले आपको ये जो है फैलाना नहीं है, सबसे पहले इसके प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। सो इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है कि अगर आपको ऐसा हो गया है तो आपको अपनी आँखों को बार बार रबिंग नहीं करना है, उनको रगड़ना नहीं है, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो जो आँखों से निकलने वाला फ्लूड आपके हाथ में आएगा और उसी हाथ को आप खाने पर लगाएंगे, जगह जगह रखेंगे और उसी जगह पर कोई दूसरा पर्सन आके हाथ को टच करेगा और उसको भी ये कंजंक्टिवाइटिस जैसी बीमारी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हाथों को साफ रखना है, आंखों को बार बार मलना नहीं है, रगड़ना नहीं है, और अपनी आंखों को बार बार गर्म पानी से, गुनगुना पानी करके पानी को, या फिर डिस्टिल वाटर, सलाइन वाटर, और जो है इन सब चीज़ों से आंखों को बार बार साफ़ करते रहना है, आंखों में पानी मारते रहना है। और आई ड्रॉप, मार्केट में बहुत सारी आई ड्रॉप आ रही हैं, जैसे कि सिप्लोफ्लॉक्सासिन है ना, इस तरह की एक आई ड्रॉप मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आपको खुद से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको जो है आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब करेंगे, उससे आपको ट्रीटमेंट, आपको आई ड्रॉप डालना है, आपको समय समय पे एंटीबायोटिक लेनी है, हो सकता है आपको विटामिन ए के कैप्सूल भी प्रोवाइड करें। इसके बाद आपको कैसे बचाव करना है अपना, आपको हमेशा जो है ब्लैक कलर का गोगल पहन के रखना है, जिससे बाहर की जो धूप की किरणें होती हैं वो आपकी आंखों में ना जाएं। साथ में आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है आंखों से जिस पे ज़्यादा फोकस पड़ रहा हो। सो आपको ये सारी चीज़ें कंजंक्टिवाइटिस के साथ में रखनी है, जिससे ये जल्दी आपका ठीक हो जाए। आपको पानी, आंखों में पानी डालते रहना है समय समय पे, और जो है कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे आंखों को नुकसान पहुंचे। टीवी बिल्कुल अवॉइड करनी है, फ़ोन अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हो गया है तो अब इससे छुटकारा पाने के हमने सारे तरीके देख लिए। सबसे पहले आपको बस इतना याद रखना है कि आपको तो हो चुका है, लेकिन ये आपकी वजह से किसी और को ना फैले। तो आप ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं, कॉन्टैक्ट अवॉइड करें, घर से जितना ज़रूरी काम है तभी निकलें, ज़रूरी काम ना हो तो घर से ना निकलें, तभी ये फैलने से हम इसको बचा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, उम्मीद है आपको समझ आया होगा।